हाय गाइस, मैं हूँ आशी बसरा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दिल्ली हाइट्स लाइफ इन इंग्लैंड सिंस 1995। जी हाँ, कहिए कैसे हैं आप। अनदर टाउन हम रुके हैं एंड वेल्स में नाम है उसका क्लैंगनो। मैं नीचे लिख दूंगी क्योंकि ऑब्वियसली वेल्श में डिफरेंटली प्रोनाउंस किया जाता है, अंग्रेजी में उसे लैंगनो कहा जाएगा। तो यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए हम रुके हैं। Thank you.
झरने की कल के लेंस की वजह से आपको शायद आवाज़ पूरी ना आ रही, क्योंकि मैं कुछ प्रिपरेशन के बाद नहीं आई थी कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, बिकॉज ब्लॉग बनाते हुए अक्सर ये हो जाता है कि आप एक्चुअल में वो चीज़ का जो सेवर करना होता है, उसको इंजॉय करना होता है, वो अधूरा रह जाता है। तो मैंने इसलिए कुछ नहीं सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो छोटी छोटी वीडियो तो बनाई रही हूँ, तो वो कैप्चर करके मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो दिस इज़ माय फेवरेट प्लेस, इंग्लैंड बहुत खूबसूरत है। इंग्लैंड मुझे यहाँ रहते 27 साल हो गए, लेकिन मेरा दिल नहीं भरा यहाँ से। मैंने जो डिटेल्स दूँगी आपको, इस टाउन की, छोटा सा टाउन है, मुझे छोटे छोटे टाउन जो विलेजेस होते हैं वहाँ जाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी कुछ और ही होती है, सही मायनों में ज़िंदगी। काश ऐसी जगह पर घर हो, रोज वॉक कर यहीं बैठ के चाय पी जाए। देखिए कितना खूबसूरत सा घर है वादियों के बीचों बीच। हाँ, कितना मज़ा आ रहा है। जब बच्चे थोड़े से बड़े जाएंगे ना, 15-16 साल के, तब मैं उनके साथ आ सकती हूँ ये सब करने। अभी तो उनके बिना नहीं किया जा सकता ना अकेले। ओह, ये वादियाँ। Scenery. Oh God, just breathtaking. वो देखिए, वो दूर घर नजर आ रहे हैं ना। आह, कौन किस्मत वाला रहता होगा वहाँ पर। नीचे देखो पानी भर रहा है। जय गया पर्वतों के बर्फों। ओह गॉड, युगवीरा मना स्टे है। देखिए तो ये वेल्स की खूबसूरती है, इसके लिए मैं इतना तड़पती हूँ। सच में देखिए तो कितना, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने। देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ख्वाबों की ताबीर हो रखी है। एक छोटा सा घर, एक प्यारा सा घर, सीधा सादा छोटा सा, उसमें रहने वाले दो प्यार करने वाले और उनके दो बच्चे। हाँ, घर की औरतें वो खाना बना रही होगी जो मर्द है वो लकड़ियाँ काट के लाएगा। मेरा मर्द कब से लकड़ियाँ काटने गया है, अभी तक नहीं आया, सदियाँ गुजर गई।
इस वैली के अंदर देखिए कितना खूबसूरत, बहुत पुराना रॉट आयरन का इतना पुराना ब्रिज है ये, देख रहे हैं ना, मेरा फ़ोन ना गिर जाए, इतना क्लम्सी हूँ मैं, नीचे गिर ही जाएगा मुझे लग रहा है फ़ोन तो। हाँ तो ये है, बहुत बड़ा ब्रिज है, और ये देखो ये है आधा वाटर है कनाल और आधा वॉकिंग का है ना, खूबसूरत का सबका। बहुत ही प्यारी जगह है वेल्स की, लेकिन हमें पता नहीं है कि नाम क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर आते हैं यहाँ पर, बहुत खूबसूरत ये कनाल है, बहुत ही प्यारी ब्रिज की तरह है, और पीछे पहाड़ है, देखिए इतना सुंदर लग रहा है ना, कितने प्यारे फ्रूट्स लगे हैं देखो, ये या इस ब्लूबेरीज लगी हुई हैं, और फूलों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, खूबसूरत लग रहा है यहाँ की खुशबू, यहाँ फल हैं देखिए, ये मेरे ख्याल से टमाटर्स हैं, यस आई थिंक ऑफ कोर्स दे आर टमेटोज, ब्यूटीफुल टमेटोज लग रहे हैं, आई वांट टू पिक देम बट आई कांट यू नो, इट्स ओके यू कैन पिक, सो या I know, because they're beautiful roses here.